बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ अवर साइंस क्लास, टेक आउट योर साइंस रीडर। इट इज़ अवर साइंस रीडर, ओपन पेज नंबर 2, पार्ट 1, अवर सेल्फ्स, यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। अवर टाइटल इज़ द ह्यूमन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, रिकॉल देयर आर नेम्स ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कह रहे हैं कि तमाम बॉडी पार्ट्स के आपको नेम तो याद होंगे पिछली क्लासेस से अच्छे तरीके से, और आप लोग बार बार घर में यूज़ भी करते हैं, स्कूल में भी। वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कह रहे हैं कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो डिफरेंट चीज़ें करते हैं। यू विल लर्न दैट, अब आप पढ़ेंगे, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ जॉब टू डू। हर पार्ट ऑफ बॉडी की एक जॉब होती है, एक काम होता है जिसने करना होता है। पीपल लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर। लोग जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। जैसे कि आपके बहन भाइयों की शक्ल आप जैसी तो नहीं होती ना, वो डिफरेंट होती है। मैं आपसे डिफरेंट हूँ और स्टूडेंट्स मुझसे डिफरेंट हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं, मतलब कि जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं। वी नीड फूड टू ग्रो, और हमें ज़िंदा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। व्हेन यू लुक इन अ मिरर, जब आप शीशे में देखते हैं, यू सी योर बॉडी, आपको आपकी बॉडी नज़र आती है। योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है। ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ अ नेम, और उन पार्ट्स का नाम होता है, हर एक पार्ट का नेम है। अब ये देखें, ईयर, कान, नोज, नाक, माउथ, मुंह, चेस्ट, ये देखें, स्टमक, थंब, अंगूठा, नी, घुटना, टो, ये देखें जो आगे पंजा होता है, ठीक है। उसके बाद आई, आंख, चीक, ये देखें, चिन, आर्म, फिंगर। उसके बाद ये बैक साइड से दिखा रहे हैं, हेयर, बाल, नेक, गर्दन, शोल्डर, कंधा, एल्बो, ये जो हमारी कोहनी होती है, बैक, कमर, हैंड, हाथ, लेग, टांग, फुट, पाँव। अच्छा, आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि फुट एक पाँव को कहते हैं और फीट दो पाँव को कहती हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आप लोगों को इन नेम्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने आना चाहिए, और रीडिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। और अगर आप साइंस की रीडिंग को भी अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 3। ईच पार्ट हैज़ अ जॉब टू डू, हर पार्ट को एक काम दिया गया होता है जो उसने करना होता है। वी यूज़ अवर माउथ टू ईट एंड स्पीक। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हम अपना मुंह इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए और बोलने के लिए। वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स, हम चीज़ें पकड़ने के लिए, ये देखिए मैंने पेंसिल को होल्ड किया हुआ है, आई एम होल्डिंग द पेंसिल, ठीक है। तो हम हाथों को यूज़ करते हैं चीज़ें पकड़ने के लिए। वी यूज़ अवर फीट टू रन, वॉक एंड मूव, हम अपने पाँव इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए, चलने के लिए और हरकत करने के लिए। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज़, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, मतलब के लड़के, लड़कियाँ, आदमी, औरतें और तमाम बच्चे इंसान हैं। अवर बॉडीज़ वर्क इन द सेम वे, हमारी बॉडीज़ तो एक ही तरीके से, एक ही तरह से काम करती हैं, बट वी ऑल लुक डिफरेंट, लेकिन हम सब एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। अब इस पिक्चर में देखें कि ये सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पहले बेबी, बॉय, ग्रैंड मदर, मदर, फादर, अब आप कर सकते हैं, या ब्रदर सिस्टर इनको कर सकते हैं, और मदर फादर, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेक है, टॉक अबाउट द पीपल इन द पिक्चर, राइट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आप बता सकते हैं कि ये बेबी है, ये बॉय है, ये ग्रैंड मदर है, मतलब ये ओल्ड हैं, यंग, ये सिस्टर एंड ब्रदर जो हैं वो यंग हैं, मम्मी और वो, उनके बारे में, एल्डर्स के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कहते हैं जो चीज़ें जानदार होती हैं, सांस लेती हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स, इंसान, पौधे और जो जानवर हैं वो तमाम जानदार चीज़ें हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, और तमाम जानदार चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो, तमाम जानदार चीज़ों को खाने और पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और बड़ा होने के लिए। डिस्कस एंड आंसर, हाउ मैनी लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन द पिक्चर। तो ये आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इसमें कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं पिक्चर में नज़र आ रही हैं। ग्रोइंग अप, इसका मतलब होता है कि बड़ा होना। ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, सिर्फ जानदार चीज़ें जो हैं वो बड़ी होती हैं। अ बेबी गर्ल ग्रोज अप टू अ वुमेन, बेबी गर्ल जो है वो बड़े होकर
औरत बनती है, अ बेबी बॉय ग्रोज अप टू बी अ मैन, और जो लड़का होता है, जो बेबी बॉय होता है, वो बड़े होकर आदमी बनता है। और ये पिक्चर में भी आपको वो दिखा रही हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो ग्रो। प्लांट्स, पौधे और जानवर भी ग्रो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो भी सांस लेते हैं। टाइनी प्लांट्स ग्रो इंटू लार्ज प्लांट्स और ट्रीज, जो छोटे पौधे होते हैं वो बड़े होकर बड़े पौधे या दरख्त बनते हैं। बेबी एनिमल्स ग्रो एंड बिकम एडल्ट एनिमल्स, बेबी एनिमल्स बड़े होते हैं और वो बड़े जानवर बन जाते हैं, ठीक है। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, जानदार चीज़ों को खाने की क्यों ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, तमाम जानदार चीज़ों को, जो पौधे जानवर और इंसान हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, टू स्टे अलाइव। फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमें हेल्प करता है बढ़ने के लिए, इट गिव्स अस एनर्जी, वो हमें हिम्मत ताकत देता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जानवर प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, और कुछ जानवर जो हैं वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स खाते हैं उसमें आपको पता है काओ, बफलो, गोट वगैरह हैं, हॉर्स है, और जो दूसरे एनिमल्स को का गोश्त खाते हैं वो है लाइन और टाइगर वगैरह, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो कह रहे हैं इंसान वो हैं जो दोनों फूड्स खाते हैं, जो प्लांट से हमें मिलता है और एनिमल से मिलता है, जैसे एप्पल, स्पिनच, टोमेटोस, कैरेट, ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से, ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ठीक है। और ये हमें एनिमल से मिलता है, चिकन, मटन एंड बीफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेक जो है, विच फूड डू यू लाइक, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड यू यूजुअली ईट एट होम, तो ये आप रफ नोटबुक पे का आंसर्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चेक है, ठीक है। कैन यू, वो कह रही है कि आपको कौन सा फूड पसंद है, और आप उन फूड्स की लिस्ट बनाएं जो आप यूजुअली घर में खाते हैं। कैन यू सॉर्ट देम इनटू टू ग्रुप्स, तो और फिर आप उनको दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से एनिमल्स से हमें मिलते हैं और कौन से हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों ने इसको 4 to 5 times अच्छे तरीके से रीड करना है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। ये रीडिंग आपको इंग्लिश में और हर तरह की रीडिंग में बहुत हेल्प आउट करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।